प्रॉब्लम यह है कि आपके माँ बाप ऐसे देखेंगे कि हाँ चलो फेज है, कोई नहीं चला जाएगा, बट ऐसे नहीं होता है। मेरे को जैसे जीना जीना दो ना, आपको क्या है? 377 एक पास कर दिया, 377 को अबॉलिश कर दिया है बस, और कुछ नहीं करा है। फर्क नहीं पड़ता मैम, आप फर्क नहीं पड़ता, आप क्या ही बोल लेंगे जो मैंने नहीं सुना है, कौन सी ही गाली दे देंगे आप? आज तमाम समलैंगिक लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, कम से कम 2000 से भी ज्यादा लोग होंगे। आज संसद मार्ग पर यहां लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लया है। लया, मुझे बताइए लया, हाँ। लया, ये मैं जानना चाहती हूँ आप लोग किस लिए यहाँ पर आए हैं, इकट्ठा हुए हैं सारे लोग यहाँ पर? हम लोग गे लोगों की प्राइड के लिए आए हैं, क्योंकि इतने सालों से हमें ऑप्रेस किया गया है इतने सालों से, तो हम वही सेलिब्रेट करने के लिए आए कि हम जिंदा है, हम रहेंगे, और हमें अपनी पहचान में सम्मान है, सम्मान चाहिए, सम्मान है हमारे पास ऑलरेडी। हाँ, है सम्मान है, बट हाँ, लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, वो चाहिए आप लोगों को। ओके, और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? शनाया। शनाया, बहुत अच्छे लग रहे हो यहाँ पे। आप तमाम लोग आए, आपकी डिमांड्स क्या हैं? मेरे को जो कपड़े पहने वो पहने दो, मारो मत उसके लिए। That's pretty much it. अच्छा, ठंड हो रही है, ठंड नहीं लग रही है? थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक ही दिन मिलता है साल में। कर ले, बदलाव आ रहा है ना समाज को, पहले से ज्यादा अब इंडिया में उतना नहीं है जी। इंडिया में आप सोसाइटी को देखिए, वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप अपने माँ बाप को बता सकते हैं कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए, नहीं मानेंगे। क्या नाम है आपका? दीपांजलि। दीपांजलि, दीपांजलि पढ़े लिखे होंगे आप, कितना पढ़े लिखे हैं? कॉलेज, कॉलेज किया हुआ है आपने? भी किया हुआ है फर्स्ट ईयर कॉलेज। हाँ, तो अभी पेरेंट्स जो आपके होंगे और आपके पेरेंट्स जहाँ रहते होंगे, तो किस तरीके से आपने फेस किया उन चीज़ों को, आपके पेरेंट्स ने कैसे फेस किया ये सब चीज़ें? प्रॉब्लम यह है कि आपके माँ बाप ऐसे देखेंगे कि हाँ चलो फेस है, कोई नहीं चला जाएगा, बट ऐसे नहीं होता है। मेरे को जैसे जीना जीना दो ना, आपको क्या है? सर, एक बस लॉ पास कर दिया उन्होंने और कुछ नहीं बदला है। 377 एक पास कर दिया, 377 को अबॉलिश कर दिया है बस, और कुछ नहीं करा है। दिस इज माय गर्लफ्रेंड, शी इज द लव ऑफ माय लाइफ, एंड शी कांट टेल हर पेरेंट्स दैट शी इज ट्रांस, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग ऑन द प्लैनेट। अच्छा, आप लोग जो अब रहते हैं, आप लोगों को अगर कोई लोग देखते होंगे तो किस नजरिए से देखते हैं? फर्क नहीं पड़ता मैम, अब फर्क नहीं पड़ता, आप क्या ही बोल लेंगे जो मैंने नहीं सुना है, कौन सी ही गाली दे देंगे आप मुझे जो नहीं सुना है? अच्छा, आप कभी निकलते होंगे घरों से तो कभी किसी ने कमेंट्स किए हो कि भाई ऐसे? मुझ पे तो नहीं, बट आप पे तो। मैं निकली नहीं हूँ इसी डर से, जैसे रहना है मेरे को, मैं वैसे तो रही नहीं हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला लोग कुछ बोलेंगे, मम्मी पापा कुछ बोलेंगे, मम्मी पापा को कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता है, डर से नहीं पता है, ऑलरेडी इतना पूरा सेट है कि लाइक ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, कि मेरे को आइडिया भी नहीं आया कि मैं बता सकती हूँ और कुछ अच्छा भी हो सकता है। सर, हजारों लोग यहाँ पे हैं, आप घर जाके किसी से पूछेंगे वो आपको पे इस देश में कैसे बता सकते हैं आप? अपने कॉलोनी में पूरा कवर होके आई थी, मैं नहीं कर सकता। बस तो ये तमाम लोग हैं, इनकी निजी जो जिंदगी है वो ये है कि ये भी अपने मर्जी से रह सकते हैं, पहन सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा मैंने बात की तो शनाया की आंखों में पानी था, यानी कि ये लोग भी यार जी सकते हैं, हमें भी थोड़ा सा बदलाव लाना होगा समाज में, लोगों को बदलना होगा, अपने अपने जो मानसिकता है उसको बदलना होगा। तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है वैसे ही गर्ल्स गर्ल्स भी रह सकती है, बॉयज़ बॉयज़ भी रह सकते हैं, इसमें हम लोग आपस में बोलने वाले होते कौन हैं, समाज का ये भी हिस्सा है, जी सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, संसद मार्ग, दिल्ली।